बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरह मियात आमिल के नए सबक के साथ हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले इबारत है कि वसालिसा अशरा लैसा वहिया लिन्नफ़ी मज़मूनिल जुमलति फ़ी ज़मानिल हाली वकाल बादुम फ़ी कुल्ली ज़मानिन मिसलु लैसा ज़ैदुन क़ाइमन वअलम अन्ना तक़दीम अख़बारि हाज़िल अफ़आलि अला असमाइहा जायज़ुन बिबक़ाइ अमलिहा मिसलु काना क़ाइमन ज़ैदुन अला हाज़ल क़ियासु फ़िल बवाक़ि वअइदन तक़दीम अख़बारि अला अनफ़ुसिहा जायज़ुन सवा लैसा वल अफ़आलि अल्लती काना फ़ी अवाइलिहा मा मिसलु قائمًا كان زيد وقال بعضهم تقديم الأخبار على هذه الأفعال أيضا جائز سواء ما دام أما تقديم أسمائها عليها فغير جائز وعلم أن حكم مشتقات هذه الأفعال كحكم هذه الأفعال في العمل। और उसके बाद जो है ये तरकीबी कवायद के साथ तराकीब हैं। तो सबसे पहला जो जुमला है वो ये है कि वसालिसा अशरा लैसा, तो अब इसके शुरू में जो वाव आ रही है ये वाव आतफा है, और असालिसा अशरा इसको क्या बनाएंगे, तो इसका माबाद देकर बनाएंगे। इसके बाद है लैसा, यानी इसके बाद आ रहा है मारफा, लेकिन असालिसा अशरा जो आ रहा है तो ये बन रहा है सिफत है। इससे पहले जो है ये मासूफ जो है वो मासूफ मासूफ है वो है अलफेल, यानी असली बरत बनेगी वलफेल वलफेल सालिसा आशरा। तो अलफेलू जो है ये मसूफ है, असालिसा आशरा जो है ये मरकबे बनाई होकर जो है, यानी ये मरकबे बनाई है, तो ये है सिफत। तो मसूफ से तो मिलकर इसको क्या बनाएंगे, इसका माँ बाद देकर बने, इसके बाद लैसा, यानी इसके बाद है लैसा आ रहा है, ये मुराद लफज है, यानी इसका माना नहीं मुराद लफज मुराद है, यानी जब मुराद लफज कहा गया कि ये मारफा बन गया, तो मारफा के बाद जब मारफा आ जाए और सामे को फ़ायदा तामा मिल रहा उस वक्त है मुतदा और खबर तरकीब होती है, लिहाजा ये मसूफ से मिलकर मुतदा और लैसा ये मुराद लफज होकर ये खबर मुतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। और उसके बाद वहिया लिन्नफ़ी मज़मून जुमलतिफ़ी ज़मान हाल, इसके शुरू में जो वाव आ रही वाव आतफा भी हो सकती है और इस्तिनाफ़ी भी हो सकती है, और हिया जो इसको क्या बनाएंगे, इसका माँ बाद देकर बनाएंगे। इसके बाद लिन्नफ़ी, यानी इसके बाद जार मजरूर है, मारफा के बाद जब जार मजरूर आ जाए तो मुतदा और खबर वाली तरकीब होती है, और ये भी कह सकते हैं ज़मीर मरफू मुनफसिल जो होती है वो तरकीब के अंदर जब शुरू में हो तो उस वक्त वो मुतदा बनती है। तो हिया जो है ये मुतदा लाम जार नफ़ी जो है ये मुदाफ़ है, मज़मून जो है ये मुदाफ़ ले मुदाफ़ अलजुमलाती ये मुदाफ़ ले है, क्योंकि कहता यह है कि आखिर मारफा उससे पहले जितने ले वाले उनकी तरकीब होती है, तो मज़मून ही मुदाफ़ अपने मुदाफ़ ले से मिलकर नफ़ी का मसदर का जो है ये मुदाफ़ ले बन जाएगा। फी जार ज़मान ही जो आ रहा है ये मुदाफ़ अल हाल ही जो है ये मुदाफ़ ले है, क्योंकि नकरा के बाद जब मारफा आ जाए तो मुदा मुदाफ़ ले तरकीब होती है, तो मुदाफ़ अपने मुदाफ़ ले से मिलकर जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर यह ज़रफ़ लाख बन जाएगा नफ़ी मसदर का, क्योंकि मुतअल्लिल लफ्ज़ों में मौजूद अल नफ़ी मसदर मुदाफ अपने मुदाफिले और ज़र्फ़ लाहु से मिलकर जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तकर बन जाएगा साबिता तुन के। सिर्फ मुस्तकर क्यों बनाए, क्योंकि मुतअल्लिल लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, तो किसका बनेगा साबिता तुन का, साबिता तुन जो है ये इसमें फ़ाइल है, इसमें हज़्म इसका फ़ाइल, और ये साबिता तुन जो है ये हिया के मुताबिक, क्योंकि वो मुन्नस है वाहिद है, ये भी मुन्नस और वाहिद है, तो ये इसमें फ़ाइल इसमें हज़्म इसका फ़ाइल, ये इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तकर से शिब जुमला इसमें होकर जो है ये खबर पीछे मुतदा बना, तो उसकी मुतदा खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। और उसके बाद है वकाला बादुम फी कुल्ली ज़मानिन, तो इसके शुरू में जो वाव आ रही है वाव आतफा भी हो सकती है और इस्तिनाफ़े भी हो सकती है, और काला ये फेल है, ये उनमें फेलों में से जिनका फाइल कभी अंदर होता है कभी बाहर होता है, इसका फाइल इसके बाहर इसके अंदर नहीं हो, और वो है बादुम, यानी मुदा मुदाफ बादुम जो बाद मुदाफ हम जमीन ये मुदाफिले, क्योंकि नकरा का बद मारफा इसलिए मुदा मुदाफिले व तरकीब होगी, तो मुदाफ मुदाफिले से मिलकर काला का बन जाएगा फाइल। तो अब इससे पहले इबारत जो है ये मासूफ है, जो मकोला बनेगी वो ये है कि लैसा लिन्नफ़ी मज़मून जुमलाती, तो ये इबारत मासूफ असल इबारत बनेगी लैसा लिन्नफ़ी मज़मून जुमलाती फ़ी कुल्ली ज़मानिन, जो के पीछे सियाके जो है उससे पता चल रहा है कि इससे पहले इबारत मासूफ है फ़ी कुल्ली ज़मानिन, इससे पहले इबारत मासूफ है लैसा लिन्नफ़ी मज़मून जुमलाती, यानी फ़ी कुल्ली ज़मानिन जो है ये काला के मुतल्लिक़ नहीं होगा, बल्कि इससे पहले जो इबारत मासूफ लैसा लिन्नफ़ी मज़मून जुमलाती उसमें जो नफ़ी मसर उसके होगा, तरकीब कर लेते हैं कि लैसा जी मुराद लफ्ज़ होकर जो है ये मुतदा बन जाएगा, लाम जा रहा है लिन्नफ़ी जो है सारी उसी तरह योग जाएगी लिन्नफ़ी मज़मून जुमलाती की, तो आगे फी जार कुल्ली ज़मान ये जार ये मुदा मुदा मिलकर मजरूर जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ इलाक बन जाएगा नफ़ी मस्तर का, अब नफ़ी मस्तर अपने मुदाफ़िले और जो है ये ज़र्फ़ इलाक से मिलकर पे जार का जार मजरूर मिलकर ये बन जाएगा ज़र्फ़ मुस्तकर साबितुन का, तो साबितुन क्यों निकाले, क्यों लैसा जो मुराद लफ्ज़ कहा गया कि ये मारफा बना और साथ ही ये मुफरद है, यानी क्योंकि यह मुराद लफ्ज़ लिया जाता है किसी को तो वो दोनों तरह उसका आ सकता है, यानी साबितुन
तुम निकाल सकते हो साबितुन भी, तो साबितुन जो इसमें फ़ालिस में हो जो इसका ये शिब जिनस खबर मुतदा खबर मिलकर इन मुराद लफ्ज होकर जो है ये मकूला बन जाएगा। काला अपने फाइल और मकूला से मिलकर जुमला फेलिया जो है ये खबरिया हो जाएगा। और उसके बाद मिसलु लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, तो मिसलु ना वो हवाले से कह रही है कि ये मुफरद की तरह मुदाफ़ होते हैं, जहाँ कहीं अगर जुमले की तरह मुदाफ़ नज़र आए तो वहाँ पर जो जुमला है उसको मुफरद की तवील में किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर मिसलु जो है ये मुदाफ़ है, लैसा ज़ैदुन क़ाइमन जो है ये मुराद लफ्ज होकर मिसलु का बन जाएगा मुदाफ़िले है, और मिसलु अपने मुदाफ़िले से मिलकर ये खबर है मिसाल हो माजूफ़ की और वो मुदा मुदा मिल, यानी मिसलु मुदाफ़ हाज में जो मुदाफ़िले ये मुदाफ़ अपने मुदाफ़िले से मुतला और ये खबर मुतला खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। दूसरी तरकीब जो है माना वाली वो इस तरह है कि लैसा जो है फ़ेल नाकिस है, तो इसका एक इसम होता है और एक इसकी खबर होती है, इसम इसका मरफू होता है, खबर इसकी मनसूब होती है। जैसा कि यहाँ सर पता चल रहा है क़ाइमन जो ख़त से पता चल रहा है, दो ज़बरों से पता चल रहा है कि लैसा की ये खबर है और ज़ैदुन जो इसका इसम, यानी लैसा फ़ेल नाकिस ज़ैदुन इसका इसम, क़ाइमन जो है इसमें फ़ाइल इसमें होती है इसका फ़ाइल ये शिब जुमला इसमें खबर है, तो फ़ेल नाकिस अपनी इसम खबर से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया हो जाएगा। और उसके बाद है वालम अन्ना तकदीम अखबार हाजिल अफ़ाल आला असमाईहा जायज़ुन बिबकाई अमलिहा, तो इसके शुरू में जो वाव आ रही है वाव आतफा भी हो सकती है और इस्तिनाफ़िया भी हो सकती है। तो ए आलम जो है ये फ़ेल है और ये उन फ़ेलों में से है कि जिनका फ़ाइल है हमेशा इसके अंदर होता है और वो है अन तज़मीर, और अन्ना जो है ये हरफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल है और मसूल हरफी है। तो तकदीमा जो है ये मस्तर मुदाफ़ अखबार जो है ये मुदाफ़िल मुदाफ़ है, तो आगे हाजिल अफ़ाल जो आ रहा है तो अब इस हवाले से ये यानी हाजी जो आ रहा है ये मुदाफ़िले है, क्यों कहता यह है कि आखिर मारफत से पहले जितनी भी नकरा उनकी मुदा मुदाफ़िले वाली तरकीब होती है, तो अब हाजी ही को क्या बनाएंगे इसका माँ बाद देकर बनाते, इसके बाद अल अफ़ाली यानी जो इसमें इशारा का बाद है मौरा बिल्लाम आ जाए, तो वहाँ पर तीन तरकीबें होती हैं मातूफ़िले अतफ़ बयान वाली मुबदल मिनबदल वाली मसूसित वाली, इसलिए हाजी मसूफ़ है अल अफ़ाली ये सिफत है, या ये है कि जो हाजी ये मुबदल मिन हो अल अफ़ाली ये बदल है, या यह है कि हाजी जो मातूफ़िले है और अल अफ़ाली जो है ये अतफ़े बयान है। अब ये मिलकर अखबारी का जो है ये मुदाफ़िले बन जाएगा। अब अखबारी अपने मुदाफ़िले से तकदीम का मुदाफ़िले आगे आला जार असमाई हा जो आ रहा है असमाई नकरा उसके बाद मारफा तो लादा मुदा मुदाफ़िले तरकीब होगी, असमाई मुदाफ़ हा ज़मीर जो है मुदाफ़िले मुदाफ़ अपने मुदाफ़िले जार का जार में जो मिलकर ये ज़रफ़ इलाक़ बन जाएगा तकदीम मस्तर का, क्योंकि मुतअल्लिल लफ्ज़ों में मौजूद तकदीम मस्तर मुदाफ़ अपने मुदाफ़िले और ज़रफ़ लाग़ से मिलकर जो है पीछे बन जाएगा अन्ना का जो है ये इसम बन जाएगा, क्योंकि अन्ना का इसम जो होता है वो मनसूब होता है और इसकी खबर जो है ये मरफू होती जो आगे आ रही जायज़ुन बि इबकाई अमलिहा, तो जायज़ुन इसमें फ़ाइल है इसमें हज़म इसका फ़ाइल है, बा जार इबकाई मस्तर मुदाफ़ अमली जो है ये मुदाफ़िले मुदाफ़ हाज़मिन जो है ये मुदाफ़िले, तो क्योंकि नकर जो आखिर मारफ से जितने भी नकर मुदा मुदाफ़िले वाली तरकीब होती है, तो अब ये अमली अपने मुदाफ़िले से मिलकर इबका मस्तर का मुदाफ़िले, अब मुदाफ़ अपने मुदाफ़िले से मिलकर जार का जार मजर मिलकर यह ज़रफ़ इलाक़ बन जाएगा जायज़ुन का, क्योंकि मुतअल्लिल लफ्ज़ों में मौजूद है जायज़ इसमें फ़ाइल इसमें हज़म इसका फ़ाइल है और इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और जो है ये ज़रफ़ इलाक़ से मिलकर पीछे, क्योंकि अन्ना क्या इसम हो गया था उसकी ये बन जाएगा खबर, अब अन्ना अपनी इसम खबर से मिलकर जो है ये बन जाएगा सिला, तो मसूल हरफी अपने सिला से मिलकर यानी अन्ना मसूल हरफी अपने सिला से मिलकर जो है ये मुफरद की तवील में होकर पीछे, क्योंकि फ़ेल भी हो गया था फ़ाइल भी हो गया था उसका फ़ाइल हो गया था, अब ये उसका बन जाएगा मफूले भी, अब ये मिलकर जो है यानी फ़ेल फ़ाइल और मफूले भी से मिलकर जुमला फ़ेल या इंशाया हो जाएगा। उसके बाद मिसलु काना क़ाइमन ज़ैदुन, तो इसकी तरकीबी कवायद तो वैसे पीछे जो जिक्र कर दिया गया कायदा जो यहाँ इस्तेमाल होता है इसलिए तरकीब कर लेते हैं कि मिसलु मुदाफ़ काना क़ाइमन क़ाइमन ज़ैदुन मुराद लफ्ज़ होकर ये मुदाफ़िले मुदाफ़ मुदाफ़िले से मिलकर यह खबर मिसाल हो कि वो मुदा मुदा मिलकर मुतदा यह खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। उसके बाद माना का तबाज़ कर लेते काना फ़िल नाकिस क़ाइमन जो है इसमें फ़ाइल इसमें इसको फ़ाइल ये शिब जुमला इसमें काना की खबर है और ज़ैदुन जो है इसका इसम है, क्योंकि काना का फ़िल नाकिस का जो इसम होता है वो मरफू होता है इसकी खबर जो है वो मनसूब होती है, क़ाइमन से पता चल रहा है कि इसकी खबर है और इसका जो है इसम है वो है ज़ैदुन, तो अब ये मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया हो जाएगा। और उसके बाद जुमला व आला हाजल क्यास फिल बवा की, तो इसके शुरू में जो वाव आ रही है वाव आतफा भी हो सकती है इस्तिनाफ़ी भी हो सकती है, तो आला जो है ये जार है हाजा जो है ये मजरूर है और ये जार मजरूर मिलकर इसको क्या बनाएंगे इसका माबाद देख लेते हैं। इसके बाद अल क्यास हो, तो यानी इस हवाले से कहता यह है कि जब जार मजरूर आ जाए या ज़रा पहले आ जाए उसके बाद नकर आ जाए या मारफा आ जाए तो वहाँ पर मुतदार खबर वाली तरकीब होती है, इस तरह यहाँ पर इसके बाद मारफा आ रहा है इसलिए यहाँ पर आला जार जो आ रहा है, तो यानी एक तो ये है कि एक तो वो कहता और या साथ ये भी है कि ये खबरें मुकद्दम बनते हैं यानी ज़रफ़ आ जाए
जाए और या ये जार उनकी मुकद्दम हो जाए तो मुतअल्लफ़ मौजूद ना हो तो फिर ये जो है ये ख़बरें मुकद्दम बनते हैं। तो इसलिए ये जार मजरूर मिल कर ये ज़र्फ़ मुस्तकर बन जाएगा। साबित उनके तो साबित उन क्यों निकाले, क्योंकि अलक्यास के मुताबिक निकालें, क्योंकि मुतदा है और वो ख़बर बन रही साबित उन, तो इस हिसाब से इसको निकाला जा रहा है। तो साबित इसमें फ़ाइल इसमें हो इसका ये इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तकर इसमें शिव जुने से होकर ख़बर मुकद्दम अलक्यासु जो है ये मस्तर है फी जार अलबवाकी पर जो अली फलाम है बवाना जो है अल्लवाती है तो क्योंकि ये हदूसी माना पर दलाल कर रहा है। बवाकी जो है ये इसमें फ़ाइल जमा मुकसर है तो इसमें फ़ाइल जो है ये जमा मुकसर है तो मुअन्नस है तो इसमें हुन्ना ज़मीर जो है इसका बन जाएगा फ़ाइल। अब इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिव जुमने इसमें होकर जो है पीछे मसूल था तो उसका सिला यानी अल्लवाती तो अब मसूल अपने सिला से मिलकर जो है जार का मुझे जार मजरू मिलकर ये ज़र्फ़ लाग बन जाएगा क्यास मस्तर का। अब ये मिलकर मुतदा मौखर अब खबरें मुतदा मौखर अपने खबरें मुकदम से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। बाकी यह है कि इसके अलावा और भी इसके अंदर तरकीबी का जो है इतमाल है कि अलक्यासा इसको पढ़ा जाए तो यानी हा अला हाजल क्यासा तो उस सूरत में फिर इजरी फेल का जो है या आरा का जो है ये मफूले भी बन जाए। बाकी इसको अलक्यासी भी पढ़ सकते हैं तो इस सूरत में और भी तरकीबी कवा ये है उस सूरत फिर ये बन जाए कि अला हाजल क्यास फिल बवा की जो आ रहा है तो इनको बना दिया जाए खबर मुकदम। इसके बाद जो आगे आ रही कोई इबारत जहाँ पर तो ऐसा नहीं है लेकिन जहाँ कहीं अगर इबारत आ रही तो वहाँ पर उनको मौखर बना दिया जाए या ये है कि अला हाजल क्यासी फिल बवा को जो है ये ज़र्फ़ मुस्तकर बनाया जाए तकूलु फेल का जो है ये बना दिया जाए तो ये इसके अंदर चांद तरकीबी एतमाल है। और उसके बाद है वाईदन तकदीम अखबारी आला अनफुसिया जाइज़ुन सवाल ऐसा वल अफ़आल लती काना फ़ी अवाइलिहा माँ तो अब इसके शुरू हुए जो वाव आ रही है वाव आतफा भी हो सकती है और इस्तिनाफ़े भी हो सकती है तो ऐदन जो आ रहा है ये हमेशा जो है ये मफ़ूल मुतलक बनता आधा फेल का तो आधा ये फेल है इसमें हो उसका फल ये मिल का जुमला फेल खबरिया और उसके बाद है तकदीम मसर मुदाफ है अखबारी जो है ये मुदाफ़ अले मुदाफ़ हाजिमिन जो है मुदाफ़ अले है क्योंकि कहता यह है कि आखिर में मारफत से जितने भी नकरा हो तो मुदा मुदाफ़ अले तरकीब होती है। अब अखबारी अपने मुदाफ़ अले से मिलकर जो है तकदीम मसर का मुदाफ़ अले आला जार अनफूसी हा जो है अनफूसी मुदाफ़ हाजिमिन ये मुदाफ़ अले क्योंकि कहता है यह नकरा कबा मारफा मुदा मुदाफ़ अले तरकीब होती है तो मुदाफ़ अपने मुदाफ़ अले से जार का जार मजर मिलकर जो है ये ज़र्फ़ लाग बन जाए तकदीम मसर क्योंकि मुतअल्लिल लफ्ज़ों में मौजूद है तकदीम मसर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ अले और ज़र्फ़ लाग से मिलकर ये बन जाएगा मुतदा बन जाएगा क्योंकि ये है कि यानी जब नकरा के इजाफत है नकरा की तरफ का दी जाए तो उस वक्त उसके अंदर तकसीस है यानी वो मुतदा बन सकता है यानी गोया कि ये मुतदा और उसके बाद जाइज़ुन जो आ रहे हैं ये खबर यानी गोया कि ये कह रहे हैं कि नकरा मखसूसा के बाद जो है ये मारा मखसूसा के बाद जो है ये जो है ये नकरा आ रहा है तो उस सूरत में वो मुतदा और ख़बर तरकीब होती तो ये मुतदा बन जाएगा जाइज़ुन इसमें फ़ाइल है और इसमें जो है ये हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है सवा जो है ये मुदाफ है और लईसा जो है ये मुराद लफ्ज़ होकर मातूफ अले है क्योंकि उसके बाद हरफ़ अतफ़ वाव आ रहे तो इसका माकबल मातूफ अले होता है हरफ़ अतफ़ का माकबल मातूफ अले तो अलफ़आल जो है इसको क्या बनाएंगे इसका माबा देख बनाता है इसके बाद अल्लाह थी यानी इसके मारफा यानी मारफा का जब मारफा आ जाए सामने को फ़ायदा तामना मिल रहा तो वहाँ मसूफ से थोड़ी तरकीब होती है तो अलफ़आल जो है ये मसूफ है अल्लाह थी इसमें मसूल है जब इसमें मसूल है तो इसके बाद जुमला होना ज़रूरी है तो आगे जुमला आ रहा है कानफ़ी अवा अलिया माँ तो यहाँ पर कानफ़िल नाकिस है फ़ी अवा अलिया जो इस हवाले से भी है जिस तरह खबर मुकदम यानी जार मजरूर आ जाए तो उसको बनाते हैं खबर मुकदम या ज़रफ आ जाए तो उसको खबर मुकदम बनाते हैं तो इसी तरह यहाँ पर भी है तो फी जार अवा इलिया जो है ये जार मजरूर ये मदामदा मिलकर जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तकर बन साबितन का जो है ये ज़र्फ़ मुस्तकर बन जाएगा और साबितन इसमें फ़ाइल है इसमें हुआ ज़मीर इसका बन जाएगा फ़ाइल तो साबितन क्यों निकाले क्योंकि ये काना की खबर बन रहा है तो काना की खबर जो होती है वो मनसूब होती है तो अब ये मिलकर खबर मुकदम बन जाएगा और माँ जो है ये मुराद लफ्ज़ होकर ये जो है ये इसमें मौखर बन जाएगा। अब फ़ैल नाकिस अब इसमें मौखर और खबर मुकदम से मिलकर जो है पीछे मसूल था उसका सिला मसूल सिला मिलकर पीछे मसूल था उसकी सिफत मसूस मिलकर जो है पीछे मातूफ ले बनाया था उसका उसका मुदाफ़ ले अब मुदाफ़ और मुदाफ़ ले से मिलकर ये मुफलिफी बन जाएगा जाइज़ुन का जाए इसमें फ़ाइल इसमें अपने फ़ाइल और मफलिफी से मिलकर जो है पीछे मुतला बना तो उसकी खबर मुतला खबर मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हो जाएगा। और उसके बाद है मिसलु कायमन कान जैदन तो इसकी तरकीब कर लेते हैं कि मिसलु जो है मुदाफ़ है कायमन कान जैदन जो मुराद लफ्ज़ होकर इसकी मुदाफ़िले अब मुदाफ अपने मुदाफ़िले से मिलकर खबर है मिसाल व मासूफ़ की अब वो मुदा मुदा मुतदा है और ये खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो जाए और माना के अतबार से कह लेते हैं कायमन कान जैदन कि कायमन जो है इसमें फ़ाइल है इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल ये शिवे जुमला इसमें होकर जो है ये खबर है
कि ये ख़बर मुकद्दम है और कानफ नाक़िस ज़ैदुन जो है इसका इसम है इसमें। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो इसकी ख़बर है वो मुकद्दम हो रही, फ़ेल से भी मुकद्दम आ रही है और इसकी जो ख़बर होती वो मनसूब होती, जैसा खास से भी पता चल रहा है। तो अब ये मिल का जुमला फ़ेल या ख़बरिया हो जाएगा। और उसके बाद जुमला वकाल अबाद हम तकदीम अखबार आला हाजिल अफ़ाल ऐदन जाइज़ुन सवा मादाम। तो इसकी तरकीब कर लेते हैं, यह सात तरकीबी कवाई जिक्र नहीं किया जाए क्योंकि इस तरह की तरकीब पीछे गुजर गई है। तो इसके शुरू में जो वाव आ रही है वाव अतफा काल अफिल बाद हम मुदाफ़ मिलकर जो है इसका फ़ाइल है। तकदीम मसर मुदाफ़ अल अखबारी जो है ये मुदाफ़िल है, आला जार हाजिल अफ़ाल जो है ये दोनों मसूसी भी बन सकते हैं, यानी हाजिर मसूफ़ अला अफ़ाल ये सिफत है, या मातूफ़ अल उतफ़ बयान बना सकते हो, मुबदल में बदल बना सकते हैं। तो यहाँ ये मिलकर जार का मजरूर और जार मजरूर मिलकर जो है ये बन जाएगा तकदीम में जो मस्तर आ रहा है उसका बन जाए सरफिला, क्योंकि मुतल्लफ़ से मुमजू तकदीम मस्तर अपने मुदाफिले और सरफिला से मिलकर जो है ये मुतदा है। और उसके बाद जाइज़ुन जो है ये इसमें फ़ाइल इसमें हौज़ में इसका फ़ाइल है, सवा जो है ये मुदाफ़ है, मादाम जो मुरादुल्फ़ होकर जो है ये मुदाफिले या मुदाफ़ मुदाफिले से मिलकर ये मुफलफ़ी है, जाइज़ अपने फ़ाइल और मुफलफ़ी से मिलकर जो है ये खबर है, मुतदा खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया होकर मुरादुल्फ़ होकर ये मकूला अव्वल है, और ऐदन जो है ये फ़ेलक है और आधा फ़ेल मासूफ़ का आधा फ़ेल है इसमें हुआ इसका ये मिलकर जो है ये मिला फ़ेल या खबरिया होकर ये मकूला सानी है मुरादुल्फ़ होकर। तो अब ये काला अपने फ़ाइल और मकूला अव्वल और सानी से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया हो जाएगा। और उसके बाद है अम्मा तकदीम समाईहा अलैया फ़ग़ैरु जाइज़िन। तो इसकी भी तरकीब कर लेते हैं कि इस तरह का वैसे जुमला पीछे गुजर गया तो सिर्फ तरकीब ही कर लेते हैं कि अम्मा जो है ये हरफ़ शर्त है, तो अब इसकी जो जो शर्त है वो मसूफ़ है, यू जादू शैन, यू जादू जो है ये फ़िल मजहूल है, शैन जो है इसका नैबुल फ़ाइल है। अब ये मिलकर जो है ये शर्त है, तकदीम मस्तर मुदाफ़ असमाईहा ये असमाई ये मुदाफ़िले मुदाफ़ हाजमिर जो है ये मुदाफ़िले। तो अब असमाई अपने मुदाफ़िले से तकदीम मस्तर का मुदाफ़िले अलैहा जो है ये जार मजरूर मिलकर तकदीम मस्तर जो आ रहा है उसका ज़र्फ़ लाग़ो, तकदीम अपने मस्तर जो है ये मुदाफ़ अपने मुदाफ़िले और ज़र्फ़ लाग़ो से मिलकर ये मुतदा है। तो फ़ाजाया गैर जो है ये मुदाफ़ जाइज़िन जो है ये गैर मुदाफ़ जाइज़िन जो है मुदाफ़िले, अब ये गैर अपने मुदाफ़िले से मिलकर ये खबर है, मुतदा खबर मिलकर जो है ये जजा है और शर्त अपनी जजा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। और इसके बाद है वा अलम अन्ना हुक्मा मुश्तकात हाजिल अफ़ाल का हुक्म हाजिल अफ़ाल फ़िल अमल। तो इसकी भी तरकीब इस तरह पीछे इस तरह की गुजर गई, इसलिए सिर्फ तरकीब कर लेते, तरकीबी कवायसाने जिक्र किए जाएंगे। तो वह आतफा भी हो सकती है, इस्तिनाफी भी हो सकती है, ए अलम फ़ेल है और इसमें अंत अज़मीर इसका फ़ाइल अन्ना अरफ़ मुशब्बिह बिलफ़ेल मुसूले अरफ़ी हुक्मा जो है ये मुदाफ़ है और मुश्तकात ये मुदाफ़िले मुदाफ़ हाजिल अफ़ाल जो आ रहा है ये इसकी तीन तरकीबें हो सकती हैं। तो हाजिल अफ़ाल जो है यानी हाजी मसूफ़ अलाफ़ाल सिफ़त या हाजी जो मातूफ़ अल अलाफ़ाल अतफ़े बिन हाजी मुदलमिन अलाफ़ाल बदल ये मिलकर मुश्तकात जो आ रहे हैं उसका बान जाएगा मुदाफ़िले, अब मुश्तकात अपने मुदाफ़िले से मिलकर हुक्म जो आ रहा हुक्मा जो है उसका बान मुदाफ़िले, अब हुक्म अपने मुदाफ़िले से मिलकर अन्ना का इसम बन जाएगा, काफ़ जा रहा है हुक्मी जो है ये मुदाफ़ है, हाजिल अफ़ाल ये मसूफ़ से मिलकर या मातूफ़िल अतफ़े बयान मिलकर या मुदल बदल मिलकर हुक्मी का मुदाफ़िले है। तो अब हुक्म अपने मुदाफ़िले से मिलकर जो है ये जार का मजरूर है, जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तकर है साबितुन का। तो साबितुन क्यों निकाली, क्योंकि अन्ना की जो खबर होती है वो मरफू होती है, तो साबितुन इसमें फ़ाइल है और इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है। तो आगे फ़ी जार अल अमली जो आ रहा है ये मजरूर जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तकर सानी है, तो अब इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तकर अव्वल और सानी से मिलकर जो है ये खबर है अन्ना की, और अन्ना अपनी इसम खबर से मिलकर जो है यानी ये हरफ मुशब्बिह अपनी इसम खबर से मिलकर जो है ये सिला है, मसूल हरफ अपनी सिला से मिलकर मुफरद की तवील में होकर ए आलम का मफले भी है, तो अब ए आलम जो है ये अपने फ़ाइल और मफले भी से मिलकर जो है ये जुमला फेल या इंशाया है। और उसके बाद जो है ये तर्जमा है कि तेरहवां फेल लैसा है और ये ज़माना हाल में मज़मून जुमला की नफ़ी के लिए है, और बाज़ ने कहा है कि हर ज़माने में मज़मून जुमला की नफ़ी के लिए है और इसकी मिसाल लैसा ज़ैदुन क़ाइमन की मिसल में है, और तू जान ले कि बेशक के इन अफ़आल की ख़बरों को इनके असमा पर मुकदम करना जायज़ है इनके अमल को बाकी रखने के साथ है, और इसकी मिसाल काना क़ाइमन ज़ैदुन की मिसल में है और इसी पर बाकियों में क़ियास करना है, और इनकी ख़बरों को खुद
इन पर भी मुकदम करना जायज़ है सिवाय लहीसा और उन अफ़ाल के जिनकी शुरू में माँ है और उसकी मिसाल का इमन काना जईद उनकी मिसल में है। और बाज़ ने कहा है कि ख़बरों को इन अफ़ाल पर भी मुकदम करना जायज़ है सिवाय मादामा के, बहरहाल इनके असमा को इन पर मुकदम करना नाजायज़ है। और तू जान ले कि बेशक कि इन अफ़ाल के मुश्तकात का हुक्म अमल में इन अफ़ाल के हुक्म की तरह है। और उसके बाद जो है ये ज़रूरी मसाइल हैं, तो जो ये लहीसा है इसके अंदर इख्तिलाफ़ है कि जो जमहूर है उनके नज़दीक ये है कि ये समिया बाब से है यानी लाइसा है, तो फिर ऐन कलमा यानी जो कसरा था उसको तख़फीफ़ की वजह से गिरा दिया गया, यानी ये जो जा है इसको साकिन कर दिया गया, यानी ऐन कलमा जो उसको साकिन कर दिया तख़फीफ़ की वजह से, और इस पर फ़तह नहीं आ सकता यानी लाइसा नहीं है यानी या कलमा ऐन कलमा उस पर फ़तह नहीं, क्योंकि फ़तह जो है ये खिफत को नहीं चाहता। और दम्मा भी नहीं आ सकता क्योंकि दम्मा से सिर्फ़ है, क्योंकि फ़ाल से जो है ये मौतुलैन याई सिर्फ है आला आता है, हई आ आता है, इसके अलावा नहीं आता। तो लिहाजा ये तख़फीफ़ इसके अंदर कर दी गई और ये समिया से ये जमहूर के नज़दीक है। लेकिन अबू हयान वो कहते हैं कि इसका जो फ़ा कलमा उस पर दम्मा है वो कहते हैं लुस्ता है, और फर्रा है वो कहते हैं कि यहाँ जो है ये लिस्ता है यानी जो फ़ा कलमा है उस पर कसरा है। और ये जो लहीसा है ये मज़मून जुमला की नफ़ी के लिए ज़माना हाल में, ज़माना हाल में ये मज़मून जुमला की नफ़ी के लिए यानी मतलब ये है कि जो इसम से जो ख़बर की नफ़ी होती है ये ज़माना हाल में होती है जमहूर के नज़दीक है। जबकि जो सीबा वह है और इसकी इतबा की है इबन सिराज ने, तो ये कहते हैं कि ये हर ज़माने में नफ़ी के लिए आता है यानी हाल मुस्तकबिल और माजी हर ज़माने में ये इसम से ख़बर की ये नफ़ी के लिए आता है, जबकि जमहूर कहते हैं नहीं ये ज़माना हाल में इसम से जो है ये खबर की नफ़ी करने के लिए आता है यानी मज़मून जुमला की ये नफ़ी के लिए आता है ज़माना हाल में। तो अब इनके दरमियान जो है ये इख्तिलाफ़ है। तो ये जो सिबा वह और इबन सिराज ने इसकी जो इतबा की इसकी दलील ये है कि जिस तरह है कि लैसा खल्कुल्लाह मिसला हो, तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो नफ़ी है ये माजी की है और कुरान पाक में भी है कि अला यौमा यातीहिम लैसा मसरूफ़न अन्हुम, तो इसके अंदर जो नफ़ी है ये मुस्तकबिल की नफ़ी है, और इसी तरह लैसा ज़ैदुन क़ाइमन अलआन है, तो इसके अंदर जो नफ़ी है ये हाल की है। और जो है इनकी जो इन अफ़ाल की जो ख़बरें हैं इनको इनके असमा पर मुकदम करना जायज़ है इनको अमल के इनके अमल को बाकी रखते हुए, इसकी मिसाल जैसे काना का ईमान ज़ैदुन, तो यहाँ पर जो का ईमान जो ख़बर है ये ज़ैदुन जो है इसम है, तो ये इसम से ये मुअख्खर है, पहले आ रहे इसम से जो है ये मुकदम का ईमान ख़बर और इसम जो है ये मुअख्खर है, तो यहाँ पर कान ये अमल भी कर रहा है यानी इसम को रफ़ा दे रहा है और ख़बर को जो है ये नसब दे रहा है। और आगे जो इबारत यह है कि इसी पारी बाकियों के अंदर क्यास करना है, तो ये यहाँ बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ़ एक मिसाल काना की दी गई है, बाकी जो अफ़ाल है उनके भी इसी तरह यह है कि उनकी जो जो है ख़बर है वो इनके असमा पर भी मुकदम, यहाँ तो फेल नाकिस की दी गई मिसाल, बाकियों का भी इसी तरह ही मामला है। और जो है इनकी ख़बरों को इन खुद अफ़ाल पर भी जो है इनके अफ़ाल पर भी मुकदम करना जायज़ है सिवाय लहीसा और उन अफ़ाल के जिनकी शुरू में माँ, दरअसल यहाँ तीन किस्में बनती है कि वो कि जिनकी शुरू में माँ ना हो तो उस वक्त जो है या लहीसा ना हो तो उस वक्त उनकी ख़बरों को उनके असमा उनके ख़ुद उन पर मुकदम करना यह जायज़ है, लेकिन जिनकी शुरू में माँ है तो उस सूरत में जो है इनकी ख़बरों को इनके असमा पर मुकदम करना जायज़ नहीं। और लहीसा जो है इसके अंदर इख्तलाफ़ है कि इसकी खबर को इस पर मुकदम करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये जो जो है ना ये लहीसा के अलावा या जो है वो अफ़ाल जिनके शुरू में माँ हो इनके अलावा खबर को मुकदम यानी खबर को इनका इसमा पर मुकदम करने ये जायज़ है। ये जो है ये कूफ़ी और इबन सराज और जुर्जानी के नज़दीक है कि लहीसा की खबर जो है ये लहीसा की तकदीम लहीसा पर जायज़ नहीं है, क्योंकि इनके नज़दीक लहीसा को लहीसा की खबर को मुकदम करना लहीसा पर जायज़ नहीं, क्योंकि इनके नज़दीक लहीसा को लाया नफ़िया के साथ अदम तसरुफ और इफ़ादा नफ़ी में मुशाबत हासिल है और लाया नफ़ी के मामूल की तकदीम इस पर जायज़ नहीं है, वरना अरफ़ नफ़ी की सदारत फोत आ जाएगी। और लहीसा की खबर की तकदीम भी जायज़ नहीं है कि मुशबा और मुशबा भी हुक्म में मुतहद होते हैं। और बिसरी और सिबा वह और सिराफ़ी और फारसी के नज़दीक लहीसा की खबर को लहीसा पर मुकदम करना जायज़ है, क्योंकि ये फ़ेल है और मामूल फ़ेल की तकदीम फ़ेल पर जायज़ हो तो यहाँ लौती है, तो इस तरह खबर लहीसा की खबर भी लहीसा की खबर भी जो है लहीसा पर ये मुकदम होगी।
इसकी मिसाल है मिसलो कायमन का नज़ीर। तो यहाँ पर कायमन जो है ये खबर है, फेले नाकिस से ये मुकदम हो रही है। और बाज़ ने ये भी कहा है कि इनकी जो ख़बरें इनके अफ़आल पर ये मुकदम करना जायज़ है, तो सिवाय मादामा के, यानी मादाम के अंदर सब का इतफाक है कि इसकी इन इस मादाम पर जो है इसकी ख़बर को मुकदम नहीं कर सकते। बाकी जो बाज़ है वो कहते हैं कि बाकी जो भी जिनके शुरू में माँ हो या लईस हो सब पर जो है ये ख़बर को, यानी जो ख़बरें हैं उनको इन पर मुकदम कर सकते हैं। और बाद से इबन कसीर हैं तो इन्होंने ये कहा कि लईस पर और इन अफ़ाल पर अखबार की तकदीम जायज़ है जिनके शुरू में माँ नाफिया है। वही है कि लईसा ये हुक्म काना में इस सूरत में माँ नहीं है, तो और जिन अफ़ाल के शुरू में माँ नाफिया है वो माँ नाफिया की वजह से मुसबत हो गया, क्योंकि नफ़ी पर नफ़ी का दखूल इस बात का फ़ायदा करता है। तो ये अफ़ाल भी मंजिला काना के होगा, कान पर इसकी खबर का तकदम जो है ये जायज़ है, तो लिहाजा इन पर भी जायज़ है। खुलासा यह है कि इबन कसान की जो वो एतबार करते हैं माना का, और जो मोर है वो एतबार करते हैं लफ्ज़ों का। और बाकी जो है ये है कि इनके असमा जो हैं उनको सब के नज़दीक ये है कि ख़बरों पर जो है ये मुकदम जो है इन अफ़ाल पर मुकदम नहीं कर, यानी सब के नज़दीक ये है कि इनके जो असमा है उनको इन अफ़ाल पर मुकदम नहीं कर सकते। वजह इसकी वो ये है, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जिसम जो होता है वह मंजिला फ़ाइल होता है, और फ़ाइल की तकदीम ये फ़ेल पर दुरुस्त नहीं होती। और आगे कहा गया है कि इन अफ़ाल के मुश्तकात का हुक्म भी इन अफ़ाल के हुक्म की तरह है अमल में, यानी जैसा ये जो फ़ेल आ रहे काना मादाम ये फ़ेल है, तो जिस तरह इनका हुक्म ये है कि ये इसम को जो है ये रफ़ा देते और ख़बर को जो है ये नसब देते, इसी तरह इनसे जो आगे मुश्तकात होते हैं, यानी इससे आगे जो फ़ेल जो है ये मुश्तक होते हैं, जैसा कि इसमें फ़ाइल हो गया, फ़ेल मुजारे हो गया, अमर हो गया, फ़ेल नहीं हो गया, वो भी इसी तरह ही अमल करेंगे कि जो इसम को रफ़ा देंगे और ख़बर को जो है ये नसब देंगे। और इसी के साथ ही सबक का इख्तिताम हुआ, नए सबक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।